Welcome to Frame's episode on landscape art. For most so-called contemporaries, landscape art is the art for squares. It has little relevance and therefore little cogency among the art audience in Pakistan today. We'll be looking first at a Punjabi landscapist, Nazir Ahmed, not necessarily very well known among art circles, but extremely skilled. From Nazir Ahmed, we go on to Musarrat Mirza, an extremely talented and very important artist working in Sakhar today. Musarrat's work represents lucidity, depth, and dexterity, and constant application, the four aspects that many of our look-at-me generation artists have ceased to practice or simply forgotten along their race towards celebrity, money, and more money. Of the allure and the sensibility of Musarrat's art is based on the fact that she's away from the market circus that the art world has become today. Her paintings tend to be unpeopled. The only protagonists populating those enormous canvases are the pigeons and the ever-fluttering alam, which is part of the Sakhar landscape. And the city of her birth, which is Sakhar, still continues to be her muse. Assalamu alaikum, Musarrat. Starting out with landscape, one has seen that the material seems to recede and the spirit seems to come out. Where is it that you are headed? Landscape, basically, मैंने की नहीं, जैसे कि landscape की जाती है, मैंने अपने ही तरीके से देखा और बनाया. Sketch आप बाहर बनाती थी और आके फिर भरती उसको? जी, मैं अपने वालिद के साथ जाती थी. वो मुझे साथ लेके जाते थे. वो कहते थे, नहीं नहीं, चलो देखो दरिया का किनारा कितना अच्छा लगता है, इनकी रोशनियाँ कितनी अच्छी लगती है, ये देखो ये क्यों नहीं बनाती हो, यानी सजेस्ट वो करते थे. मैं स्केच बना लेती थी और वही डिवेलप होता गया. यानी लैंडस्केप जो है वो मेरे इजहार का एक तरीका बन गई. लैंडस्केप ना रहा. इसमें एक सूफी स्ट्रेन बहुत है. देखिए, मैंने कहा ना, आप जब आए यहाँ तो मैंने कहा यहाँ जिंदा लोग हैं, कुछ वो लोग हैं जो जिंदा नहीं हैं, लेकिन वो हमारे इस माहौल का एक हिस्सा है. जिस तरह आप जिंदा लोगों को विज़िट करते हैं, इसी तरह उनको भी विज़िट किया जाता है. और हमें ये एहसास है, होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उन तक कैसे पहुँचना है, कुछ एक जो मज़ार हैं उनके साथ कितनी दास्तानें और कितनी हकीकतें वाबस्ता हैं. वो ये वही लोग हैं जो रोशनी का सफ़र करते हैं और उसको पकड़ने की तरफ बढ़ते हैं. तो मेरा भी वही सफ़र है, लेकिन मेरे मटेरियल दूसरे हैं. आपका ख्याल से जो आपकी ज़हनी कैफियत होती है एक कैनवस पे काम करते हुए, क्या आप उस ज़हनी कैफियत का बयान अपने कैनवस में या अपने रंगों के इस्तेमाल में भी करती हैं? पहले इतना सिर्फ ये होता था कि मुझे कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, जैसे कि कहीं तन्हाई, लोनलीनेस. और आपकी, मेरे ख्याल से अगर आपका शुरू का काम देखा जाए और आज का काम देखा जाए तो इट इज़ गेटिंग लेस एंड लेस पीपल्ड. एक वक्त था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था फिगरेटिव काम करना. ड्राइंग भी मैं एकेडमिक तरीके से जानती थी, लेकिन हुआ ये, मैं अपने पिछले एक ऐसे माहौल में रही, एक ऐसी जगह और ऐसा सियासी तनाव मैंने देखा था जो मेरी तबीयत पे बहुत गहरा असर कर गया और बहुत तकलीफ दे असर कर गया. मुझे इंसानों की चीखें, उनका एक दूसरे को मारना, उनका खून, मुझे ह्यूमन फिगर से बहुत दूर ले गए. क्या ये आपका इशारा ये जो सेक्टेरियन वायलेंस से है? जी, यही एक था. मैं यूनिवर्सिटी में थी, जब मैं पढ़ाती थी वहाँ, और किसी का कितना कसूर था. मैं कोई सियासी
तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पार्ट तो अपने इलाके की हूँ। तो हुआ ये कि मुझे वो इतना तकलीफ़ पहुँचा गया, मैंने अपने मन में ये सोचा मैं तस्वीरें नहीं बनाऊँगी, और आप यकीन माने मैंने 7 साल तक पेंटिंग नहीं की। रिएक्शन हिसाब ये चलता है कि ये सही नहीं, तो मैंने बहुत ही तस्वीरें वाइट वॉश, मैं अपनी तस्वीरें बहुत ज़ाया कर देती हूँ। उन 7 सालों में मैंने पेंटिंग छोटी छोटी बनाई होंगी, लेकिन उनमें कोई फिगर नहीं था। परिंदे थे बहुत, गधे बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, वो बहुत मासूम से लगते हैं। मैं ये समझती थी कि इंसानों से ये अच्छे हैं। फिर आखिर में फिगर्स जो मैंने ऐड किए वो दरवाज़ों के पीछे से थे, यानी फिगर्स तो आ गए लेकिन आड़ में थे, आड़ में रहे। और अब भी मैं साए में फिगर को रखती हूँ, फिगर्स पीछे रह जाते हैं और जैसे आपने कहा रोशनी बढ़ जाती है। I think the sense of absence rather than presence is a very acute component of Musarrat's work. सीढ़ियाँ हैं तो इंसान के वो पैरों की चाप के लिए तरस रही हैं, कुर्सी है तो खाली है, रोशनी आ रही है पर किस पे पड़े उसका इजहार होता है। देर इज़ अ ह्यूज प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस, सो टू से, यू नो, देर वुड बी द ऑड बर्ड, अ बर्ड फ्लटरिंग, यू नो, सॉर्ट ऑफ ऑन द स्काईस्केप्स, but you know, other than that, you know, there is nothing. So Musarrat, what is the reason for this isolation? Does this convey the same kind of violence that you saw and stopped painting or destroyed your work? ये एक तरह की आहिस्ता आहिस्ता मंजिलें हैं जो कि तय करती रही हूँ, और एक मुश्किल ही रास्ता था क्योंकि ये एक अकेले इंसान का रास्ता था शायद। एक और भी इसमें वजह ये थी कि मैं जहाँ रहती हूँ मेरे इर्द गिर्द मेरे दोस्त अहबाब नहीं हैं, वो मुझसे दूर रहते हैं। मेरे जो घर के लोग हैं वो अप्रिसिएशन तो सब देते हैं, लेकिन आर्ट के साथ उनका बहुत इतना गहरा ताल्लुक नहीं। और मैं बहुत जगह अटक जाती हूँ, बहुत जगह मैं हमेशा से मेरी ज़िंदगी में एक बहुत तकलीफ़ दे दौर होता है जब मैं समझती हूँ कि मैं वो कर नहीं पाई जो मैं बनाना चाह रही हूँ। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं खुद रो पड़ती हूँ और मैं समझती हूँ कि मैं किस जगह पे हूँ और मुझे कोई बताने वाला नहीं। मैंने इसके लिए अपने एक रास्ता खुद ही देखा, वो ये था कि मैं कलर्स पे बहुत मेहनत करने लगी। कलर्स पे मेहनत इस तरह, क्योंकि एक तो मैं डस्टी एरिया में रहती हूँ, दूसरी मेरे चारों तरफ जो लैंडस्केप है वो डेजर्ट ही का है, मिट्टी का और ब्राइट सनलाइट का। यहाँ खुशी नहीं है, लोग मायूस होते हैं शायद मौसम से, शायद अपनी बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं। Would you say that your work conveys that sense of doom? ये sadness मेरे माहौल के उन लोगों की है जो मैं चारों तरफ देखती भी हूँ, लेकिन बुरा वक्त हमेशा भी नहीं रहता, आगे रोशनी तो आती है ना। शायद यही वजह थी कि मैंने वो सब को पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू किया कि नहीं, इतनी नौउम्मीदी की ज़रूरत नहीं, ये सीढ़ियाँ हैं कहीं ले जाएंगी, कहीं आप ले चलना जाएंगे। तो शुरू करें, और ये रोशनी है, ये मंजिल है, और रोशनी हमेशा मंजिल होती है। तायुन तो हम ही करते हैं, हमने कितनी दूर तक आके जाना है। सो यूजिंग द अर्बन और द सिटीस्केप एज द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी, यू हैव प्रोसीडेड वेयर यू हैव एक्चुअली लेट गो ऑफ दैट मटीरियलिटी, वेयर फॉर्म्स डिसॉल्विंग एंड यू नो सॉर्ट ऑफ लाइट इज परवेडिंग, ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ नमिंग द स्ट्रक्चर्स, द मटीरियलिटी ऑफ इट। तो ये तो रिलीज हो गया, अब इधर से कहाँ जाएंगे? रोशनी तो सिर्फ मंजिल है, अब मुझे बताएं इसके बाद कहाँ जाऊँगी। मुझे ये सफर ही अभी कम्प्लीट नहीं लग रहा, रोशनी तो बाकी रहेगी ना, रोशनी के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो खुद ब खुद वाजे होती जाती हैं। मैंने कभी कॉन्शियस होके कुछ तो नहीं
सोचा या बनाया। मैं अक्सर अपनी एग्जीबिशन से बाहर होती हूँ, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर मेरी पेंटिंग कामयाब है तो जो देखने वाला है वो खुद महसूस करे और वो खुद कहे कि हाँ, इसमें वो बात है जो मैं बनाना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है अक्सर ऐसा होता है, तस्वीरें कन्वे ही करती हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। क्या यही वजह है कि आप अपनी तस्वीरों से दूरी रखती हैं अपने व्यूअर्स के लिए? नहीं, वो मैं कि जो बात कहनी थी वो कह दी, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, बाकी जिसे मुझ तक आना है वो यहाँ तक आ जाए, फिर बात करेंगे। We are here with Nazeer Ahmed Saab in the town of Sundar, a few miles outside Lahore on the Multan Road. Nazeer Ahmed is a rare find for us at Framed. He's an extremely skilled landscapist within the Punjabi rural landscape tradition. आजकल की दुनिया में ये कहते हैं कि जी कंटेम्प्रेरी सेंसिबिलिटी से लैंडस्केप का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आपका ख्याल से अभी तक लैंडस्केप में कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं जिनको ग्रैपल करना रह गया है? कोई भी पेंट आर्ट के लिए पूरी कायनात उसका मौजू है, तो जहाँ आप रहते हैं, जहाँ जिन चीज़ों को आप देखते हैं, जो कुछ आप महसूस करते हैं, कैसे हो सकता है कि आप उनसे इंस्पायर ना हो? भले आप लैंडस्केप पेंट करें या ना करें, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप सरसों को ना देखें? ये कैसे हो सकता है कि जब अमलतास पे फूल आते हैं, जब सुंबल पे फूल आते हैं, तो आप ये मुमकिन कैसे? अब ये आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं कि नेचर की तरफ गया तो ये आर्ट की बड़ी तोहीन हो जाएगी और ये कंटेम्प्रेरी नहीं रहेगा? और ये कंटेम्प्रेरी नहीं रहेगा, ये कंटेम्प्रेरी तो उस वक्त नहीं रहेगा जब आपको इस ज़मीन पर ना टाली नज़र आएगी, ना फिजा नज़र आएगी, ना सब्ज़ा नज़र आएगा, तो फिर ये चीज़ें होंगी नहीं, को इमेजिनेटिव हो जाएंगी, फिर पता नहीं सुरियलिस्टिक हो क्या। सख साहब, पाको हिंद का एक मसला ये भी रहा है कि वो लोग जो यूरोप में स्टडी के लिए गए, वो इतना इन्फ्लुएंस में आ गए यूरोपी रवायात में और उस सोच में कि वो उसी को बल्कि उससे ज़्यादा स्पिरिट से फॉलो करना ही उन्होंने समझ लिया कि ये कमाल की हद है, आखिर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो साकिब साहब, माशरे का एक सेटअप हमारे यहाँ, तो आप एक दफ़ा कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, सारी उम्र जूते खाते हैं। वहाँ तो अल्लाह के फजल से तीन हफ्ते नहीं निकलते। अब उस माशरे को इस माशरे पे आप कैसे मुंतबिक करेंगे? हाउ यू कैन अप्लाई ऑल दैट जो वहाँ पे है वो यहाँ पे आप कैसे करें? वहाँ पे अगर कोई जाता है तो वो ट्रेनिंग लेने जाता है और उस ट्रेनिंग को अपने एक्सपीरियंस से, उस ट्रेनिंग को बदकिस्मती से लोगों को, बड़ी सादा सी मैं आपको मिसाल लेता हूँ, मौसीकी में जो सात सुर हैं, जो सातसा हैं, वो एक से दूसरे सुर तक, एक से सा से रे तक, उसको 22 हिस्सों में तकसीम करते हैं। आप सारे यूरोप की मौसीकी को देख लें, इतना एनालिसिस और इतनी डेप्थ और इतनी उसमें कहीं अगर आपको मिल जाए तो आ जाए। नहीं तो फिर लैंडस्केप की जान किस चीज़ में है? हम कुछ चीज़ें बयान कर सकते हैं। मसलन पंजाब के लैंडस्केप में ये होता है कि आपको अपने पाँव से लेके तो उफक तक सब नज़र आ रहा है। अब वो जो चीज़ों को मीलों दूर रखना है और फिर आपको हद नज़र से आगे की चीज़ें भी पेंट करनी है जो आसमान है। अब आजकल तो इसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि रंग एक है, सब्ज़ है और आप देख रहे हैं, अब आपके कदमों में भी वही सब्ज़ है और वो उफक तक वही सब्ज़ चला गया है, अब आप क्या करें? फिर पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें जो मौसमों का तगैर है वो चीज़ों में ऐसा ऐसा पहलू और ऐसा ऐसा हुसन रख देता है कि उसको बंदा नोट किए बगैर जा नहीं सकता, उसको उसी तरह से कैप्चर करना। बल्कि एक अगर आप किसी एक स्पॉट को ले लें तो उसको बदलते हुए हर 15 दिन के बाद उसमें जो आ रहा है वो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें रख रहा है कि वो देखने और करने से ताल्लुक़ रखती है, बयान शायद उसको बंदा कर भी नहीं सकता। मैंने एक दफ़ा एक दरख्त को सारा साल पेंट किया, एक दरख्त को मैंने सारा साल पेंट किया। अमलतास का दरख्त था, अमलतास के पत्ते और उसके फूल ये सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हैं,
कि आम तौर पे फूल है उसके ऊपर लाइट पड़ती है, ये ऐसा फूल है कि इसमें से छन के लाइट आती है। उस एक दरख्त के मैंने सारे साल में मैंने इतने रूप देखे कि सच्चे दिल से बंदा अल्लाह मियाँ की किबरियाई का कायल हो जाता है। जब मैंने उन सबको इकट्ठा रख के देखा, उस पे आने वाले जो रंग और उसके जो असरात थे, कहीं कहीं आसमान तक का ऐसे लगता था कि उसने आसमान का रंग बदल दिया है। अब कैफियत ऐसी थी कि जैसे दिन के वक्त में आप एक बहुत बड़ी लाइट जलाएं, सूरज की रोशनी में भी वो ऐसे लगता था जैसे कोई एक शोला है। अब वो मुमकिन नहीं कि जमालियात के ये पहलू उसकी वो किबरिया के अलावा कोई सूरत नज़र नहीं आती। नहीं तो फिर उस एक्सपीरियंस को आपने अपनी पेंटिंग में किस तरह बयान किया? पेंटिंग का ताल्लुक आपकी आंख से है, आपकी बसारत से है। मसलन एक चिड़िया चहचहा रही है, आपको तो चिड़िया ही पेंट करनी है, उसको आप कुछ इस तरह से पेंट करेंगे देखने वाले को भी ये लगेगा ये चहचहा रही है, लेकिन उसकी आवाज़ तो वो तो एक दूसरा शोभा है। पेंटिंग का ताल्लुक आपकी बसारत से है, बसारत का ताल्लुक जो इंसान की जो हवास है, इंसान के पाँच बुज़ुर्गों ने पाँच हवास बयान किए हैं जो ज़ाहरी हैं, वो आपकी बसारत भी है, आपकी समात भी है, और बुज़ुर्गों ने पाँच हवास से बातनी भी बयान की है। अब जो आपकी बसारत है उसका ताल्लुक मौजूद से है, जो आप जो मौजूद नहीं है उसका ताल्लुक आपकी समाज से है। आप मतलब वो आपके जहन में जो चीज़ें हैं उनका आप कैसे इजहार करें वो और पहलू है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजूद ने ही कोई शक्ल आपके तखय्युल को साथ ऐड करके, आपके तखय्युल को ना ऐड करके, उन चीज़ों के ज़ाहर हुसन से, उन चीज़ों के बातनी हुसन से वो करेंगे आप। तो फिर ये कहना दुरुस्त होगा कि लैंडस्केप का एक इंटीरियर डायलॉग है और एक एक्सटीरियर डायलॉग है। एक्सटीरियर वो जो नुमाया है जी, और इंटीरियर वो जो आपके अंदर से होके डिस्टिल होके ये है, आप ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। सौदा ने एक सौदा का एक शेर है, फरमाते सौदा जो तेरा हाल है ऐसा तो नहीं वो, क्या जानिए तूने उसे किस आन में देखा। तो ये एक हमेशा मौजूद रहता है। आपसे पहले बात मैं कर रहा था और आपने कहा था कि हर पेंटिंग का एक प्रॉब्लम होता है। अच्छा। और हर लैंडस्केप का एक से दूसरी से फर्क आता है। आप हर स्पॉट को पेंट नहीं करते कोई किसी वजह से, ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको पता हो, लेकिन कोई ना कोई रीजंस होती हैं कि वो स्पॉट आपको अट्रैक्ट करता है, चैलेंज करता है। और चैलेंज से आपकी क्या मुराद है? चैलेंज से मेरी मुराद है कि एक स्पॉट को आपको देख के फील होता है कि यार ये मेरे से हो नहीं पाएगा, ये चैलेंज है, और वो इतना पुरकशिश होता है कि आपका ये भी दिल चाहता है कि मैं करूँ, ये उसका चार्म है। बाद को आते ये चैलेंज अनकॉन्शियसली आप सॉल्व कर रहे होते हैं और कभी आपको पता भी होता है। अगर आप वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लें और उस मंज़र को देख के जो हुसन, जो चाहत, जो एक आप में उतरता है, आपकी पेंटिंग को देख के उस किस्म की फीलिंग देखने वाले में भी आ जाएं, तो आप समझ लें कि किसी हद तक लैंडस्केप का काम हो गया, फिर आप किसी हद तक कामयाब हैं। अब यहाँ पे अगर टाइटल आप लैंडस्केप ना भी इस्तेमाल करें और कहें कि पेंटिंग